कोनिचा दोस्त, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आओचान काम स्टडी एपिसोड नंबर 8 के बारे में। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और फिर से बता दूं कि मैं वीडियो में कुछ कुछ एडल्स वर्ड है जो कि मैं बताने नहीं वाला, तो सिर्फ और सिर्फ हिंट देने वाला हूँ, समझ लेना। एंड मैं जहाँ पर डैश कहूँगा उसका फुल मीनिंग होगा SE-, समझ लेना। 3 वर्ड्स है, समझ लेना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाती है होरी को, जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई होती है एंड एक पिलर के सामने वो खड़ी हुई होती है। देन यहाँ पर उसके पीछे से दो लड़के जा रहे होते हैं एंड वो लोग कहते हैं होरी बहुत ही क्यूट है एंड होरी को तंग करने के लिए वो लोग आ रहे होते हैं। मगर होरी कुछ और ही सोच रहा होता है। होरी सोच रहा होता है किजिमा के बारे में, ये नहीं सोच रहा है कि पिछले एपिसोड में किजिमा ने उसका समथिंग देख लिया था, इसके बारे में वो सोच नहीं रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है बीच पर जब वो दोनों थे तब किजिमा ने उसके साथ डैश क्यों नहीं किया। ये सोचते हुए वो बहुत ही मैड हो जाता है एंड पिलर को पंच करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर पीछे के दो जो लड़के होते हैं वो डर जाते हैं एंड भाग जाते हैं वहाँ से। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है होरी बहुत ही अच्छी बच्ची बनकर, बहुत ही टॉपर बनकर पढ़ रही होती है एंड बहुत समय पढ़ती रहती है। देन उसके मन में किजिमा का ख्याल आता है, वो सोचती है कि किजिमा मेरे साथ क्यों नहीं करता डैश, लगता है उसके अंदर स्टैमिना नहीं है। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं क्या करता, मैं वो डैश चीज़ 10 बार करता। मतलब ये लड़की कुछ ज़्यादा ही ऑर्नी है, समझ लेना मैंने क्या कहा। एंड सिर्फ यही नहीं, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही सोचती है, आपको पहले से ही पता है। एंड ये लड़की अब सोचेगी भी नहीं ये कैसे हो सकता है, तो ये लड़की सोचना स्टार्ट कर देती है अगर वो किजिमा के वहाँ पर होता तो क्या होता। एंड ये वो इमेजिन करती रहती है अपने ड्रीम वर्ल्ड में। देन वो फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देती है। तो तब भी किजिमा का मैसेज आता है, तो वहाँ पर किजिमा ने कहा कि मेरा एक फुटबॉल मैच है परसों, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड परसों हमारा मैच है, तो प्लीज़ आना। तो होरी सोचती है कि किजिमा के लिए मेरा पढ़ाई नहीं होगा, ये हर समय मेरे साथ बात करना चाहता है एंड मुझे डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई नहीं करने देता। सिर्फ और सिर्फ वही नहीं, मेरा ख्याल भी, मतलब मैं उसके ख्याल में खोई रहती हूँ, ऐसा कुछ कहा होरी ने। तो मुझे उसके साथ किसी भी तरह ब्रेकअप करना पड़ेगा, यानी कि होरी किजिमा के साथ अब रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है क्योंकि उसके लिए स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक घटिया प्लान बनाती है ये होरी हमारे किजिमा को उससे दूर लाने के लिए। उसने हाँ कह दिया कि वो स्पोर्ट्स देखने आएगी किजिमा का फुटबॉल मैच। एंड यहाँ पर जो हमारा किजिमा है ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है एंड होरी यहाँ पर कुछ और ही प्लान बना रही होती है। वो सोचती है कि वो किजिमा के लिए खाना ले कर जाएंगे एंड वहाँ उसमें कुछ मिला देगी, कुछ हॉर्नी चीज़ें जो खा के किजिमा का होश उड़ जाएगा एंड वो ज़्यादा हॉर्नी हो जाएगा एंड हमारे होरी के साथ कुछ उठपटंग करेगा। देन होरी उसे थप्पड़ मारेगा एंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। यही है होरी का प्लान, यानी कि होरी एक घटिया प्लान बनाता है वो एंड जो किजिमा है दोनों के बीच में रिलेशनशिप तोड़ने के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो होरी होती है वो खाना बना रही होती है किजिमा के लिए। देन यहाँ पर होरी के डैड आ जाते हैं जब होरी किचन में नहीं थी। तो यहाँ पर होरी के डैड तो ये सोच रहे होते हैं कि होरी सच में किजिमा के साथ डैश करने वाला है। तो उसके डैड कुछ ज़्यादा ही परवर्ट कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही उस टाइप के है। तो उन्होंने जिस दवाई से ज़्यादा हॉर्नी होते हैं लोग, वो चीज़ बहुत ही हाई लेवल में डाल दिया है, बहुत ही ज़्यादा एक फिश में, जिसके कारण अब कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पे एंड होरी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। देन यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पे एंड होरी के बीच में बातें हो रहे होता है। होरी का जो ग्रेड आया है यानी कि प्रोजेक्ट रिजल्ट, वो बहुत ही बुरा है, इसके लिए यहाँ पे ये कहता है वो होरी के मदद करेगा जिससे होरी बहुत अच्छे रिजल्ट कर सके। तो वो होरी को कल तैयार रहने को कहता है जिससे वो अच्छे से स्टडी कर सके। मगर अब कल तो हमारा जो किजिमा है उसका स्पोर्ट्स
यानी कि फुटबॉल मैच है एंड यहाँ पर स्टडी है। तो अब हमारा जो होरी होता है वो कन्फ्यूशन में होता है कि अब वो क्या करे, या वे के पास पढ़ने जाए या जो हमारा किजिमा है उसका फुटबॉल मैच देखने जाए। देन होरी ये सोचती रहती है। देन हमें पता चलता है कि होरी असल में जो स्टडी है वो नहीं चूज़ करता, वो चूज़ करता है अब हमारा किजिमा का जो फुटबॉल मैच है वो देखने के लिए वो जाती है। मगर इसके पीछे हमारा जो प्लान है यानी कि होरी का जो प्लान है वो हमें पता है। तो खाना लेकर वो जाती है, जाकर देखती है कि आज जो किजिमा होता है वो हार चुका है मैच, जिसके कारण वो बहुत ही सैड है। देन बाकी सारे लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर किजिमा खाना देखते ही बहुत ही खुश हो जाता है एंड ये खाना होरी ने बनाया ये सुनकर तो और भी खुश हो जाता है। देन होरी कहती है मन मन में कि मेरा प्लान सक्सेस होकर रहेगा। देन यहाँ पर हमारा जो किजिमा है वो थोड़ा ही खाने के बाद यानी कि इतना मतलब उसके शरीर में इतना अब जोश आ गया है यानी इतना हॉर्नी फील कर रहा है, मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ ही सेकेंड में असर हो गया क्योंकि जो होरी के डैग थे उसने बहुत ज़्यादा पूरा मिक्स कर दिया था वो दवाई। तो होरी से उठती है तो ये सब ये तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो इसे रोक भी नहीं सकता, मैं कर लूँ उसके साथ डैश। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था, होने वाला होता है इन दोनों के बीच में कुछ। मगर हमें पता है कि किजिमा कितना प्योर हार्टेड इंसान है, इतना ज़्यादा दवाई उस खाने में मिला हुआ था मगर फिर भी होरी के साथ उसने कुछ नहीं किया। उस किजिमा ने खुद को कंट्रोल किया एंड कहा होरी तुम यहाँ से जाओ, मेरे साथ लगता है कुछ अजीब हो रहा है जिसके कारण मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ प्लीज़। देन ये सुनने के बाद होरी किजिमा से कहता है, किजिमा तुम क्या मेरे साथ सच में नहीं करना चाहते डैश। देन जो किजिमा होता है वो कहता है नहीं। देन होरी कहती है कि तुमने तो कहा था तुम जिससे प्यार करते हो तो तुम ही उसके साथ डैश एंड किस करोगे। तो जो हमारा किजिमा है वो कहता है नहीं, आई वैल्यू यू ओवर माई ओन डिज़ायर एंड यही लव है। यानी कि हमारा जो किजिमा है उसका मतलब ये था कि किजिमा खुद से ज़्यादा होरी की परवाह करता है एंड यही लव है। ये सुनने के बाद होरी जो है वो वहाँ से जा रही होती है। वो जाते जाते ये कहती है तो मुझे फिर से कभी बुलाना मत, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो या मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ। तो यहाँ पर होरी का जो प्लान है वो तो फेल हो जाता है, मगर होरी डायरेक्ट कह देती है कि मेरे साथ मत मिलना अब से। एंड होरी यहाँ से रो रही होती है, बहुत रो रही होती है, वो मन मन में ये बताने की कोशिश कर रही होती है वो हमारे किजिमा को चाहता है मगर उसके लिए अभी भी स्टडी ज़्यादा है। यानी कि किजिमा का लव जो है उससे ज़्यादा उसका स्टडी एंड ड्रीम जो सक्सेस है उसके परवाह ज़्यादा है, वो उसका लक्ष्य है। तो वो उसका लक्ष्य पूरा करना चाहती है एंड जिसके लिए उसे किजिमा का लाभ कुर्बान करना पड़ेगा। तो एकदम लास्ट के वहाँ पर दिखाया जाता है कि मैं पढ़ नहीं सकता इनकी मैं स्टडी नहीं कर सकता एंड इसका रीज़न किजिमा है कि किजिमा के साथ जब वो टाइम बिताता है तो वो पढ़ाई के बारे में भूल ही जाता है एंड हर समय किजिमा के बारे में सोचते रहता है तो वो इसके लिए स्टडी नहीं कर सकता। तो उसे किजिमा के साथ नहीं रहना चाहिए एंड उससे अलग होना चाहिए। एंड यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो इस एपिसोड से हमें पता चलता है कि होरी रियली लव्स किजिमा बट उसके लिए अभी भी उसका स्टडी सब कुछ है एंड उसका ड्रीम सब कुछ है, किजिमा से भी बरकर है। तो यही था आज के एपिसोड। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, उसके बाद जो बेल आइकन हो भी दबा देना, नीचे कमेंट पर ज़रूर लिखना मुझे कुछ इंप्रूव करना पड़ा तो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस टू योर हॉर्नी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या आ रहा सही होना रहा।